Admins Dashboard in Moodle पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न के बारे में सीखेंगे। Admins Dashboard पर विभिन्न ब्लॉक्स, Admins Profile पेज और प्रेफरेंसेस को कैसे एडिट करें। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ Ubuntu Linux OS 16.04, Apache, MariaDB और XAMPP 5.6.30 से प्राप्त PHP, Moodle 3.3 और Firefox वेब ब्राउजर। आप अपनी पसंद के किसी भी वेब ब्राउजर का उपयोग कर सकते हैं, हालांकि इंटरनेट एक्सप्लोरर का उपयोग ना करें क्योंकि इसके कारण कुछ प्रदर्शन विसंगतियों होती हैं। इस ट्यूटोरियल के शिक्षार्थियों के सिस्टम पर Moodle 3.3 संस्थापित होना चाहिए। यदि नहीं है तो कृपया इस वेबसाइट पर संबंधित Moodle ट्यूटोरियल का अनुकरण करें। ब्राउजर पर जाएं और अपनी Moodle साइट खोलें। सुनिश्चित करें कि XAMPP सर्विस चल रहा है। आप केवल हेडर्स के साथ एक खाली पेज देख सकते हैं। ये इसलिए क्योंकि हमने अपने संस्थापन के लिए कोई भी फ्रंट पेज सेट नहीं किया है। विंडो के ऊपरी दाएं कोने पर लॉगिन पर क्लिक करें। अपने एडमिन यूजर नेम और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें, जिसे आपने Moodle संस्थापित करते समय दिया था। मैं एडमिन यूजर नेम और स्पोकन ट्यूटोरियल 1@ पासवर्ड प्रविष्ट करूंगी। लॉगिन बटन पर क्लिक करें। जिस पेज को हम अभी देख रहे हैं उसे डैशबोर्ड कहते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारा डैशबोर्ड दो कॉलम्स में विभाजित है। बाईं ओर बड़ा वाला मुख्य कंटेंट कॉलम है, दाईं ओर वाला ब्लॉक्स कॉलम है। इन कॉलम्स में ब्लॉक्स आइटम्स हैं जो एक विशिष्ट उद्देश्य या जानकारी प्रदान करते हैं। ब्लॉक्स मूडल के पेजेस पर पाए जाते हैं। आप उन्हें अपने कोर्स के महत्वपूर्ण हिस्सों के शॉर्टकट के रूप में सोच सकते हैं। उदाहरण स्वरूप प्राइवेट फाइल्स, ऑनलाइन यूजर्स, कोर्स ओवरव्यू आदि मेरे डैशबोर्ड पर ब्लॉक्स हैं। ध्यान दें कि यहाँ कोई गतिविधियाँ या कोर्स नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने अभी तक कोई कोर्स नहीं बनाया है। सभी कोर्सेज की एक सूची देखी जाएगी। यदि कोई यूजर यानी शिक्षक या छात्र या एडमिन नामांकित हैं या उसे कोर्सेज में भूमिका असाइन की गई है, यह भी ध्यान दें कि ऑनलाइन यूजर्स ब्लॉक एडमिन यूजर दिखाता है जो हमारा वर्तमान लॉगिन है। यह ब्लॉक किसी भी समय पर लॉगिन यूजर को दिखाता है। Moodle में प्रत्येक ब्लॉक का विशिष्ट उद्देश्य है। हम Moodle में किसी भी पेज के किसी भी कॉलम में ब्लॉक्स जोड़ सकते हैं। अब पेज के हेडर पर देखें। बाएं ऊपरी कोने पर हम नेविगेशन ड्रॉअर या नेविगेशन मेन्यू देख सकते हैं। ये हमें कैलेंडर और अन्य एडमिनिस्ट्रेशन लिंक को एक्सेस करने में मदद करता है। यह टॉगल मेन्यू है। इसका अर्थ है कि यह क्लिक करने पर इसके स्टेटस को ओपन से क्लोज और विपरीत क्रम में बदलता है। फिर हमारे पास लोगों के लिए प्लेस होल्डर है। डिफॉल्ट रूप से ये शॉर्ट साइट नेम है। इस पर क्लिक करके हम किसी भी पेज के डैशबोर्ड जाएंगे। ऊपरी दाईं ओर पर यहाँ नोटिफिकेशंस और मैसेजेस के लिए क्विक एक्सेस आइकन है। इसके आगे यूजर मेन्यू ड्रॉप डाउन है। इसे क्विक एक्सेस यूजर मेन्यू भी कहा जाता है। हम संक्षिप्त में इस ट्यूटोरियल में प्रोफाइल और प्रेफरेंस पेज की चर्चा करेंगे। ये सभी मेन्यू आइटम्स टॉगल मेन्यू हैं, बाईं ओर के समान। आगे प्रोफाइल लिंक पर क्लिक करें। Moodle में प्रत्येक यूजर का प्रोफाइल पेज है। इसमें लिंक यूजर्स को अनुमति देते हैं
उनके प्रोफाइल की जानकारी एडिट करने, फोरम या ब्लॉग पोस्ट देखने के लिए, किसी भी रिपोर्ट्स को चेक करने के लिए जिसका उनको एक्सेस हो और उनके एक्सेस लॉग्स और आईपी एड्रेस देखने के लिए जिसका उपयोग पिछली बार लॉगिन करने के लिए किया था। अब एडिट प्रोफाइल लिंक पर क्लिक करें। एडिट प्रोफाइल पेज खुलता है। यह पेज 5 सेक्शंस में विभाजित है। जनरल, यूजर पिक्चर, एडिशनल नेम्स, इंटरेस्ट, ऑप्शनल। जनरल सेक्शन डिफॉल्ट रूप से विस्तारित है। किसी भी सेक्शन पर क्लिक करना इसे विस्तारित या छोटा करता है। दाईं ओर पर एक्सपेंड ऑल लिंक सभी सेक्शंस को विस्तारित करता है। यहां सभी फील्ड्स एडिट करने योग्य हैं। सिटी टाउन जोड़ें, मैं मुंबई टाइप करूंगी। सुनिश्चित करें कि सेलेक्ट अ कंट्री ड्रॉप डाउन में इंडिया चयनित है और टाइम जोन एशिया कोलकाता सेट है। केवल एडमिन इस प्रोफाइल पेज से पासवर्ड बदल सकता है। अब मैं ऑप्शनल सेक्शन में कुछ फील्ड्स जोड़ती हूँ। मैं इंस्टीट्यूशन फील्ड में आईआईटी बॉम्बे प्रविष्ट करूंगी। साथ ही डिपार्टमेंट में मैथमेटिक्स और फोन नंबर फील्ड में एक वैध फोन नंबर प्रविष्ट करूंगी। फिर पेज को सेव करने के लिए अपडेट प्रोफाइल बटन पर क्लिक करें। अब ऊपरी दाईं ओर मैं क्विक एक्सेस यूजर मेन्यू पर क्लिक करें। प्रेफरेंसेस लिंक पर क्लिक करें। प्रेफरेंसेस पेज यूजर्स को उन विभिन्न सेटिंग्स तक त्वरित एक्सेस प्रदान करता है जिन्हें वे एडिट करना चाहते हैं। एक एडमिन अकाउंट के लिए प्रेफरेंसेस पेज 4 सेक्शंस में विभाजित है। यूजर अकाउंट, रोल्स, ब्लॉग्स और बैजेस। यूजर अकाउंट सेक्शन यूजर को प्रोफाइल एडिट करने और पासवर्ड बदलने के लिए अनुमति प्रदान करता है। यह लैंग्वेज, फोरम, कैलेंडर, मैसेज, नोटिफिकेशन आदि के लिए प्रेफरेंसेस सेट भी करता है। कैलेंडर प्रेफरेंसेस पर क्लिक करें। हम 24-hour फॉर्मेट में समय प्रदर्शित करने के लिए कैलेंडर सेट करेंगे। साथ ही हम 2 सप्ताह के लिए अपकमिंग इवेंट लुक अहेड भी सेट करेंगे। इसका मतलब है कि हम कैलेंडर पर अगले 2 सप्ताह में होने वाले सभी कार्यक्रमों के लिए सूचनाएं देखेंगे। मैं सभी फील्ड्स के आगे हेल्प आइकन को चिन्हांकित करना चाहती हूँ। इस पर क्लिक करके प्रत्येक फील्ड से संबंधित संक्षिप्त जानकारी के साथ हेल्प बॉक्स खुलेगा। जब किसी भी फील्ड के बारे में कोई शंका हो तो इसके महत्व को समझने के लिए हेल्प आइकन पर क्लिक करें। सभी ऑप्शंस को वैसे ही रहने जैसे वे हैं, सेव चेंजेस बटन पर क्लिक करें। हम बाकी प्रेफरेंसेस को समझेंगे जब हम इस श्रृंखला में उन विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। यहाँ जानकारी पर ध्यान दें। यह ब्रेड क्रम नेविगेशन है। यह एक विजुअल एड है जो दर्शाता है कि मूडल साइट के अनुक्रम में हम किस पेज पर हैं। यह हमें सिंगल लिंक के साथ हायर लेवल पेज पर वापस जाने में मदद करता है। डैशबोर्ड पर जाने के लिए ब्रेड क्रम्स में डैशबोर्ड लिंक पर क्लिक करें। इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल के अंत में पहुंचते हैं। संक्षेप में, इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा एडमिन डैशबोर्ड पर विभिन्न ब्लॉक्स, एडमिन प्रोफाइल पेज और प्रेफरेंसेस कैसे एडिट करें। यहाँ आपके लिए एक छोटा सा असाइनमेंट है। मैसेज प्रेफरेंसेस पर क्लिक करें। मूडल में यूजर्स एक दूसरे को प्राइवेट मैसेज भेज सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे मैसेज ऑफलाइन होने पर भी ईमेल के रूप में वितरित किए जाएं। ऑनलाइन और ऑफलाइन हेल्प बॉक्स देखें और सुनिश्चित करें कि सेटिंग्स सही हैं। निम्नलिखित लिंक पर मौजूद वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें। स्पोकन ट्यूटोरियल टीम कार्यशालाएं आयोजित करती है और प्रमाण पत्र देती है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें।
कृपया इस फोरम में समय के साथ अपने प्रश्नों को पोस्ट करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट एनएमईआईसीटी एमएचआरडी भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी दिखाई गई लिंक पर उपलब्ध है। ये स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है। मैं जया अब आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।